ये एक रिंग है और इस तरह की आर्टिफिशियल बहुत सारी बनती हैं मार्केट में। देखने में लगेगा कि जैसे बिल्कुल कांच का टुकड़ा है, ठीक है, और ये साइड में लगेगा कि ये एडी है, लगेगा कि ये सोना नहीं पीतल है, पर इसकी जो जांच है, जो ऑथेंटिसिटी है, वो कैसे प्रूवन होगा कि ये ओरिजिनल है? तो सर्टिफिकेट इसका ये रहा। हीरे किसी भी लैब से टेस्ट करा लो, और हॉलमार्क का निशान यहाँ पर पीछे बना हुआ है, ये हर रिंग के साथ है, ठीक। ऐसे ही ये लॉकेट है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, आर पार, वाटर ड्रॉप कलर में, और सर्टिफिकेट ये है, और ये प्रीशियस पन्ने हैं। ये कैमरे की जो लाइट पड़ रही है उससे नज़र आ रहा होगा कि कितना अच्छा है, ऐसा ही ये भी है, ठीक है। अब स्टोन जो होते हैं वो लीजिए ओरिजिनल, अगर ओरिजिनल नहीं लोगे तो काम कुछ नहीं बनेगा, चाहे चांदी में बनवा लो चाहे सोने में बनवा लो, लेकिन लेना ओरिजिनल चाहिए। अगर ओरिजिनल नहीं लोगे तो काम बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, ठीक है। ये रिंग है देहरादून के लिए नेहा की, और ये वहीं का दीपिका का लॉकेट है, और इसके सर्टिफिकेट दोनों के सामने लगे हैं। और इन स्टोन्स की क्वालिटी प्रूवन, और सर्टिफिकेट ये रहे। क्लियर? जो भी सोना लगाता हूँ वो रवे वाला नहीं लगाता हूँ, और जो रिंग्स बनती हैं वो स्विट्जरलैंड, बंगाल के कारीगर और अमेरिका दुबई से रिटर्न जो कारीगर हैं वो बनाते हैं। जो दूसरों की अंगूठियाँ बनती हैं उन अंगूठियों में या साइड में डंडियों पर तरह तरह का इम्प्योरिटी, जो तांबा, जस्ता, रांगा भर दिया जाता है यहाँ से, लेकिन मेरी जो अंगूठियाँ बनती हैं या लॉकेट बनते हैं, ये डंडी जो होती है इसकी, ये पूरी की पूरी सॉलिड होती है। आप इसे दबाने की कोशिश करोगे इजीली नहीं दबेगा, क्योंकि ये प्योर गोल्ड जो होता है उससे बनवाता है।